लगातार भ्रष्टाचार के मामले रोजाना उजागर होते रहे, अनेक घोटाले हुए जिनके बारे में अनेक दफा यहाँ पे चर्चा हुई, अनेक दफा आश्वासन मिला कि हम जांच कराएंगे, आज तक उनकी कोई जांच नहीं हुई। कल मुख्यमंत्री जी ने गीता पे हाथ रख करके कहा था कि मैं किसी कीमत के ऊपर इन चीजों को सहन नहीं करूँगा। पहली बात तो मुख्यमंत्री महोदय को जरूरत नहीं है कि वो गीता पे हाथ रखे, अगर कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है और आपके सामने कोई मामले उजागर किए जा रहे हैं तो आपको केवल जांच का आदेश नहीं देना। महोदय वो एक विशेष प्रसंग की बात कही थी हमारे कादयान जी ने कि जो आदमी पकड़ा गया है एचपीएससी के जो ऑफिसर और उसके फोन में चैटिंग है उसमें किसी ऑफिसर का नाम है, तो मैंने उस एक मुद्दे को नहीं उन्होंने स्पेशल कहा कि आप तो गीता के मानने वाले हैं और वो तीर लगा दें, उस संदर्भ में मैं गीता पर विश्वास रखता हूं, उनकी बात पर मैंने एक प्रकार से उसको कंफर्म किया, उसमें दिक्कत नहीं है। सबको है लेकिन उन्होंने स्पेशली कहा, और फिर उस एक व्यक्ति जिसकी बारे में जानकारी मिलेगी तो उसके बारे में मैंने कहा उसको तुरंत हम करेंगे, अब इसको एक जनरल संदर्भ में कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं, गीता पे तो सिर्फ और सिर्फ हाथ वहां रख करके कसम खाई जाती है जब कोर्ट के अंदर किसी आदमी को गवाही देनी होती है, तब वो कहता है कि मैं सच के स्वयं कुछ नहीं बोलूंगा, बोलता और फिर झूठ बोलता है दबा के। मेरे से पहले भी ये मामला मलिक साहब ने उठाया था, अभी मैं कुछ प्रमुख जो घोटाले आपके और इस डिपार्टमेंट में अकेले में है तो सारे डिपार्टमेंट, बचा हुआ तो कोई भी नहीं, नहीं एक एक लेकिन इसके जो प्रमुख है, नहीं आपने जो इन्फॉर्मेशन मांगी है हाँ, मैं वो इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई है कोई विशेष, क्योंकि ये तो 731 टोटल आपके आपके पंचकुला का भी जिक्र करूंगा, 731 मामले हैं, एक एक को डिस्कस करोगे तो पंचकुला का मामला भी है मेरे पास, सब होंगे मेरे पास, आपको सुनना चाहिए ना, ताकि आपको तो पता लगे कि आपके नीचे बैठे अधिकारी क्या कर रहे हैं। एक-एक मामले को डिस्कस नहीं कर सकते, मैं एक जो आपने प्रश्न पूछा उसका आंसर आ गया है कि कितने मामले एंटी करप्शन ब्यूरो के पास है, कितने दूसरे पुलिस के पास है, उसका जवाब आ गया। मैं सुप्लीमेंट्री नहीं पूछ सकता, नहीं पूछे सुप्लीमेंट्री पूछे, पर एक एक है मेरे साथ भिड़ने में, एक एक घोटाले को कहां तो 731 केस है, 731 केसेस को एक एक को डिस्कस करेंगे क्या? मैं एक एक की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो जो मुख्य है वो बता रहा हूँ। नहीं मुख्य बहुत है, इतनी देर में मैं पढ़ देता जितनी देर आपने मेरे साथ लगा दी। अब बोलिए, सारे लोग आपके और मेरे मजे लेते हैं, कहते हैं जब आपस में खड़े होते हैं तो पता नहीं क्या नहीं, 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 मैं कहता हूं कि जो क्वेश्चन तो आपका आ गया, मैं जवाब दे दूं। सुनो आप, कहां आ गया, फरीदाबाद नगर निगम में 200 करोड़ का घोटाला है, उसका क्या हुआ उसके बारे में बता देना। गुड़गांव नगर निगम में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हेल्थ और सैनिटेशन कूड़ा उठान पे संबंधित 180 करोड़ का घोटाला है, उसके बारे में बताओ। सोनीपत नगर निगम में टेंडर वह कूड़ा उठान और सर्विस चार्ज घोटाला है, इसी तरह करनाल नगर निगम में है स्ट्रीट लाइट का और सीवरेज का, अवैध कॉलोनियों की रजिस्ट्रियों को लेकर के भी है। उसके अलावा पंचकुला नगर निगम में ये आपके भी है, कचरा जो है उसको निस्तारण के नाम पे करोड़ों रुपए का घोटाला है, उसके अलावा एक और घोटाला आपके है वो और बता देता हूँ। नगर निगम पंचकुला में मात्र एक पोस्ट थी जो पंचकुला वाला, उसको तो विजिलेंस जांच हमने करवाई है खुद। नहीं, नहीं, मैं आपसे पूछना नहीं चाहता, मैं तो यहाँ पूछना चाहता हूँ। पंचकुला के अंदर मात्र एक प्रोजेक्ट अफसर की वैकेंसी थी जिसके अगेंस्ट में आपने 25 भर्ती कर दिए, उसकी क्वालिफिकेशन भी जो रखी गई थी वो बीटेक रखी गई थी, बीटेक को इग्नोर कर दिया गया और डिप्लोमा धारक जो है 25 आदमी उसकी जगह भर्ती कर दिए गए। उन जिनको प्रोजेक्ट अफसर लगाने की बात थी उनको उस पोस्ट से हटा करके जेई की पोस्ट पे लगा दिया, डिप्लोमा वालों को जो है, और 25 को वहां लगा दिया जहां 13 पहले से जो जूनियर इंजीनियर जो लगे हुए थे उनको वहां से ट्रांसफर कर दिया और उनकी जगह भर्ती कर दिया। उनमें एक आपका रिश्तेदार भी है ना, कोई भी हो सकता है, अगर क्वालिफिकेशन पूरी करेगा तो कोई भी हो सकता है। खर्ची की बात कर रहा हूं, कोई भी हो सकता है, अपने लोगों को एडजस्ट करने के लिए किस तरह से लोगों को ट्रांसफर कर दिया जाता है, ट्रांसफर करके खाली पोस्ट करके फिर उनकी रिश्तेदार सरकार के अंदर भिवानी नगर निगम कराएगा, भिवानी नगर रिश्तेदार भी बहुत हो सकते हैं,
भिवानी नगर परिषद के अंदर भी चेक चेक और फर्जी रसीदों के नाम पे 3,83,57,000 रुपए का घोटाला हुआ। हिसार नगर निगम में आपके खुद के हल्के के अंदर मेन पावर मुहैया कराने वाली एजेंसी को लाखों रुपए जारी करके घोटाला किया गया। उसके इलायदा अंबाड़ा नगर निगम आपके भी जहाँ पे 5 करोड़ रुपए तो उसके कूड़ा उठान के नाम, उसके इलायदा स्टेडियम के निर्माण के ऊपर भी 86 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। अध्यक्ष महोदय, सरसा नगर निगम में ये सब शिकायतें हो सकती हैं। शिकायतें होने के बाद उसके खिलाफ FIR लिखी जाती है, वो अंडर ट्रायल है, तो ये पूछ रहे भी इसमें लेकिन कोई चीज शिकायत में आई है और उसको हम ये मान लेंगे कि घोटाला हो गया, ये घोटाला हो गया, ये घोटाला हो गया, फिर तो ये 1,000 शिकायतें हैं। 1,000 शिकायतों में अगर सबके सब आप तो जो मुख्य है जो हुए हैं उनके बारे में जिनके आपने FIR कर ली, सैद्धांतिक बात बता रहा हूँ, उसके ऊपर सैद्धांतिक बात यह है कि शिकायत कोई करता है उसकी एक FIR होती है, FIR होने के बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है, उसका ट्रायल होता है, उसका रिजल्ट क्या निकला वो कोई रिजल्ट के बारे में बताएंगे। इसका रिजल्ट निकला उसके बारे में कोई बात होगी तो आगे किसी प्रश्न पर उत्तर हो सकता है, वरना ये जो इन्वेस्टिगेशन के अंतर्गत है वो एक एक पढ़ना शुरू करें तो 1100 है, और 1100 अगर ये मान लें कि सारी सच हो गई है तो सच हो गई तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, सच नहीं होगी चर्चा करने की जरूरत नहीं है। ये इतना घोटाला हो गया है, ये इतना घोटाला हो गया है, ये स्टेटमेंट्स बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये अंडर इन्वेस्टिगेशन, अंडर ट्रायल है, अगर घोटाला पाया जाएगा तो उसके खिलाफ शिकायत की जाएगी, इस प्रकार से इसको प्रोजेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। नहीं नहीं, आवश्यकता क्यों नहीं है, अगर कहीं घोटाले हुए तो बताए जाएंगे। धन्यवाद अभय जी। ईश्वर सिंह जी, बस ईश्वर सिंह जी, ईश्वर सिंह।